राजधानी लखनऊ से रहस्यमय दीवार का एक अजीबोगरीब किस्सा सामने आया है। एक तरफ परिवार अपने घर की दीवार से आ रही आवाजों की सुन सुनकर डर के माहौल में जी रहा है, वहीं दूसरी ओर इन रहस्यमय दीवारों से आ रही तेज आवाजों की कहानी का राज पुलिस उजागर नहीं कर पा रही। हालांकि इस मामले में पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों पर मशीनों से आवाज निकालने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला मडियाव थाना क्षेत्र के जानकीपुरम का है, जहां केरल की रहने वाली आरती सिंह अपने पति, बेटी और बुजुर्ग सास के साथ पिछले 27 सालों से रह रही हैं। आरती सिंह ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से बेडरूम की दीवार के पीछे से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि आसपास के रहने वालों की रात की नींद उड़ जाती है। अचानक किसी भी वक्त आने वाली डरावनी आवाजों से पूरा परिवार खौफ में जी रहा है। जी जी जी, एक्चुअली ये मेरा ससुराल है जहाँ मैं 12 सालों से रह रही हूँ, और ये मेरे सास ससुर ने ये मकान बनवाया है, किसी बिल्डर से खरीदा नहीं है, ये मकान बनवाया है पिछले 30 सालों से। यानी 30 सालों और यानी मैं 12 साल के एक्सपीरियंस में ऐसी कभी कोई घटना, कभी कोई आवाज़ें, ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 10 या 12 दिनों से हमारे जो मेरी माता जी का जो बेडरूम है उसकी पिछली दीवारों से बहुत ही भयंकर आवाज़ें आती हैं, बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि मतलब कि पूरा बाहर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती हैं। और वो मतलब किसी इंसान को वो डिप्रेशन कर दे, लेकिन हमारे मेरे साथ तो मेरी 8 साल की बेटी और 80 साल की मेरी माँ रहती हैं। अगर वो मतलब फिजिकली मेंटली मतलब वो इतने ज़्यादा टूट चुके हैं।